हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे डेल्टा कॉर्प शेयर न्यूज एंड एनालिसिस के बारे में। आप चैनल पे न्यू है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर भी मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। बात करते हैं डेल्टा कॉर्प कंपनी के बारे में। डेल्टा कॉर्प कंपनी क्या करती है? पहले इसका नाम एरो वेबटेक्स लिमिटेड हुआ करता था एंड ये बेसिकली गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी, कैसीनो, गैम्बलिंग के बिजनेस में है एंड ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि गैम्बलिंग के बिजनेस में, कैसीनो के बिजनेस में इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनी ये एक लौती है एंड सबसे बड़ी कंपनी है एंड सबसे बड़ी एंड फर्स्ट मूवर होने के इसके डेफिनेटली काफ़ी सारे एडवांटेज है। ये लीडरशिप पोजिशन में है अपनी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसके मेजॉरिटी ऑफ ऑफशोर कैसीनोज पणजी गोवा के अंदर लोकेटेड है। गोवा के अंदर टोटल 6 लाइसेंसेज है, 3 लाइसेंसेज डेल्टा कॉर्प के पास है इस टाइम पे ऑपरेट करने के कैसीनो एंड इसके काफ़ी सारे शिप पे भी कैसीनो रन करते हैं। ये शिप पे कैसीनो, लग्जरी होटल्स, ऑफशोर, ऑनशोर सारी चीज़ें ये रन करते हैं। काफ़ी सारा इनका पड़ा है। ऑल ऑफ दैट इज़ रिलेटेड टू गैम्बलिंग, कैसीनो एंड हॉस्पिटैलिटी ओनली। डेल्टा कॉर्प ने कुछ रिसेंटली और जीटीज को भी एक्वायर करा है एंड ये करता रहता है छोटे मोटे एक्विजिशंस। प्लस ये गैंगटॉक सिक्किम में भी इसने अपना कैसीनो ऑपरेट करना स्टार्ट करा है एंड करंटली आप ये कह सकते हैं लेटेस्ट इन्होंने Adda52.com को एक्वायर करा था। ऑनलाइन पोकर की वेबसाइट है ये एंड अब इन्होंने लेटेस्ट Adda52Rummy.com भी निकाला है। और बात करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा हाला प्ले टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है। हाला प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है। फैंटेसी स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आज की डेट में इंडिया के अंदर स्पेशली। तो ये बेसिकली गेमिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग इन सब के बिजनेस में काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ है। ऑफलाइन, ऑनलाइन हर तरीके से ये है एंड काफ़ी बड़ा प्लेयर है। एक लौती लिस्टेड कंपनी है जो इस तरीके के बिजनेस में है। डेल्टा कॉर्प गोवा, सिक्किम, दमन, इंडिया के अंदर इन जगहों पर ऑपरेट पहले से ही करते आ रही है बट इसका भी दमन का लाइसेंस पेंडिंग है एंड ये काठमांडू में भी ओपन करने को प्लान कर रहा है। इंटरनेशनली ये पहले से डेल्टा कॉर्प एग्जिस्ट करता है, श्रीलंका जैसी जगहों पर भी है ये। तो क्या डेल्टा कॉर्प मल्टी बैगर बन सकता है? आइए इस बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं इसके शेयर प्राइस से। इसका शेयर प्राइस एक साल पहले 200 की रेंज में ट्रेड करता था, अभी 60-70 पे ट्रेड कर रहा था एंड पिछले कुछ दिनों में अपर सर्किट लगे जा रहा है एंड 80-90 पे आ चुका है इसका ट्रेडिंग प्राइस। कुछ साल पहले इसका प्राइस 400 रुपये भी पहुँचा था मैक्सिमम। डेफिनेटली कोविड की वजह से इसके बिजनेस में हिट आया है, इसी वजह से प्राइस एकदम ही गिर गए हैं बट अब धीरे धीरे इसके प्राइस बढ़े जा रहे हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए साल के तो पता लगा कि काफ़ी अच्छा काम इन्होंने कर लिया था पहले भी एंड ऑनलाइन भी इनका काम चलते रहता है, ज़्यादा हिट ना लगे शायद। कॉर्प की होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 32% के करीब प्रमोटर्स के पास है एंड 16% फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है। म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 6.9% है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राकेश झुंझुनवाला एंड फैमिली के पास अराउंड 7% स्टेक है एंड आर के दमानी के पास 3% स्टेक है। आर के दमानी इज़ डीमार्ट ओनर जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से उसकी कंपनी लिस्टेड है। राकेश झुंझुनवाला एक इन्वेस्टर है तो वो तो सबको पता ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ऑफ डेल्टा कॉर्प। बुक वैल्यू इसकी 72 रुपीज़ के अराउंड है। अभी मार्केट कैपिटल 2500 के अराउंड है। पी रेशियो 13 है। सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। अब इसे कंपेयर करते हैं इसके एनुअल स्टार्ट से। एनुअल स्टार्ट्स देखें तो टोटल सेल इंक्रीज ही हो रही है हर साल एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग टर्म्स में ही देखा जा रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सेल प्रॉफिट दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट से। अगर इसकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कुछ लाइबिलिटीज़ थी इसके पास
बट आज की डेट में 2020 की बात करें तो जीरो कंटीजेंट लाइबिलिटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब कि जो काफ़ी बिजनेस को नुकसान दे सकती है ये पे करनी ज़रूरी होती है बेसिकली, ये कह सकते हैं। एंड अगर फिर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो बहुत ही अच्छे रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास। जितनी पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है करंटली 2020 के अंदर, ऑलमोस्ट उतने के करीब इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसका मतलब कंपनी काफ़ी स्ट्रांग एंड स्टेबल है। एंड पिछले कुछ सालों में भी देखा जाए तो इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी अच्छे शुरू से ही रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि इसके पास सरप्लस अभी आना शुरू है, पहले से ही इसके पास काफ़ी अच्छे रिजर्व्स एंड सरप्लस रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर लेते हैं कि किस मार्जिन पे ऑपरेट करता है, कि सेल करने के बाद कितना मार्जिन बचता है बेसिकली, ये बात करते हैं। तो हमेशा से ही अच्छा मार्जिन पे खेलता आ रहा है, 29, 39, 39, 33। तो 30+ मार्जिन तो काफ़ी काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत सी कंपनियां लेस देन 10 पे चलती है, एंड 30+ तो काफ़ी स्ट्रांग मार्जिन है, काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट कहूँगा मैं तो। डेफिनेटली टेंशन फ्री कंपनी लगती है ये। हमने इसके बेसिकली कैसीनो के बिजनेसेस के बारे में बात करा, तो एक बारी वेब के बिजनेस के बारे में बात करते थे, जो जिसमें इसने नई इन्वेस्टमेंट करी है। अगर अडा 52.com की बात करें तो इसका मंथली ट्रैफिक 1.69 मिलियन का ट्रैफिक है, दैट इज 16 to 17 लाख। इस पे हर महीने लोग आते हैं। ग्लोबल रैंकिंग 37,000 है, इंडियन रैंकिंग 1900 है, एंड गैम्बलिंग एंड पोकर के सेक्टर में इसकी रैंकिंग 15 है। वर्ल्ड वाइड कैटेगरी में 15 रैंकिंग पे है ये, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है अगर देखा जाए गैम्बलिंग पोकर के मामले में। ये काफ़ी तेज़ी से इसने इंक्रीज़ करा है। करें अड्डा 52rummy.com की, ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है इसकी, एंड बिल्कुल 1 या 2 महीने में इसने ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ करा है। 500,000 लोग उस पर मंथली आते हैं। इन वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देख लीजिए 129,000 है, एंड 7,000 इंडियन रैंकिंग है। तो बहुत ही तेज़ी से इसकी दोनों वेबसाइट ने ग्रोथ दिखाई है। बात करते हैं डेल्टा कॉप के पॉजिटिव साइड के बारे में। तो गैम्बलिंग एंड गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करेगी कमिंग ईयर्स, एंड ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई इसमें मेजर कंपटीशन नहीं है इंडिया में इसके पास, एंड लिस्टेड कंपनी तो कोई भी नहीं है कंपटीशन में इंडिया के अंदर डेल्टा कॉप के अगेंस्ट, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर इसके रिजर्व्स देखें तो 1900 करोड़ से ज़्यादा के इसके पास रिजर्व्स पड़े हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेट फ्री कंपनी है एंड तब भी इतने ह्यूज रिजर्व्स पड़े हैं, तो कंपनी एक्सपैंड आराम से कर सकती है, जितना मर्जी कर सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड एक और बहुत ही अच्छी बात है कि मार्जिन्स ऑफ ऑपरेशन इसका बहुत अच्छा है, कि मतलब जितनी सेल करता है उस पे इसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट अपना ज़्यादा रहता है इसके पास मार्जिन, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के अंदर। एंड रिसेंटली शेयर के प्राइस इतने गिर गए थे कोविड की वजह से, एंड कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर अनाउंस करा था, एंड बायबैक करे अपने शेयर, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शेयर की वैल्यू बहुत कम है कंपनी की जितनी वैल्यू हो चुकी है। तो जब प्रोमोटर्स इतना कॉन्फिडेंस कंपनी में रख रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होता है किसी भी कंपनी के शेयर के लिए। तो आपके नेगेटिव भी बात कर लेते हैं, वैसे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इसके कम है, लेकिन स्टिल एक आर्ग्यूमेंट रखने के लिए हम बात करते हैं कि बेसिकली एक गैम्बलिंग इंडस्ट्री में है, एंड लाइसेंसिंग थोड़ा सा चैलेंज रहता है, एक रिस्क की इसका रिस्क गैम्बलिंग के अंदर लाइसेंस का ही है। अगर लाइसेंस गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी चेंज हो जाती है तो इसको बिज़नेस पूरा का पूरा रिस्क पे आ सकता है, ये एक नेगेटिव रहेगा। बट इतना बड़ा बिज़नेस है, इतना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, जिसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड बात करें कि कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा इसको अगर रैपिडली एक्सपैंड करना है, बट हमने देखा है कि इसके पास कैपिटल काफ़ी पड़ा है, तो इसको इतनी उसमें वरी करने की बात नहीं है। एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है कि प्रमोटर ने 2 to 3% अपना स्टेक प्लेज कर रखा है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी है एंड डेट फ्री कंपनी है, तो प्लेज करने के पीछे कोई रीज़न नहीं समझ आया है इसका एग्जैक्टली क्या है। बट एंड कुछ पब्लिकली इन्होंने बता भी नहीं रखा कि किस रीज़न से प्लेज्ड है, तो आई थिंक बट ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें वरी करने की बात नहीं है। बट ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड रखने के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने रख रखा है कि प्लेज जनरली
प्रमोटर्स अपने स्टेक को नहीं करते और नहीं करना चाहिए, सिर्फ तभी करते हैं जब उन्हें पैसों की नीड हो, बट इस कंपनी को पैसों की नीड नहीं है। अमाउंट काफ़ी छोटा है, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टेक प्लेज करके, तो ये नेगेटिव कुछ पॉइंट रहे हैं। फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि डेल्टा कॉर्प एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग इसकी ग्रोथ रही है पास्ट में भी, एंड फ्यूचर भी इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। ग्रोथ इसकी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, एंड ये एक मल्टी बैगर, मेरी ओपिनियन में एक मल्टी बैगर डेफिनेटली है, एंड आगे आने वाले सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी इस कंपनी के अंदर। ये बात जरूर है कि कोरोना वायरस की वजह से शॉर्ट रन में इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऑपरेशन नहीं चल रहे तो डेफिनेटली अर्निंग इसकी कम रहेगी, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट बाय इन माय ओपिनियन। एक लास्ट डिस्क्लेमर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मार्केट एंड वेबसाइट से गैदर करी है, डेफिनेटली आप कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइज़र को। कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना डेफिनेटली आपकी ओपिनियन रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको यूज़फुल रहा होगा ये वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप कुछ भी अपना कमेंट डाल सकते हैं, अगर आपको किसी और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।